जम्मू कश्मीर से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो सहम गया। यहां रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद बस खाई में जा गिरी, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई जबकि 33 घायल हैं। बस शिवखोड़ी मंदिर के पास रानसू से जम्मू कटरा शहर जा रही थी। इस दर्दनाक घटना के बाद मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। तो वहीं हादसे के बाद देश की राजनीति में भी हलचल मच गई है। इसको लेकर तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और आतंकियों को ना बख्शे जाने की बात हो रही है। बता दें कि सबसे पहले इसको लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमले के बाद की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें लगातार स्थिति की निगरानी करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द ही दंडित किया जाएगा। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर के DGP से बात की और घटना की जानकारी ली। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून की मार झेलनी पड़ेगी। स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ईश्वर मृतकों के प्रियजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कायरतापूर्ण आतंकी हमला अत्यंत दुखद है। ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालातों की असली तस्वीर है। मैं सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की आशा करता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट खड़ा है। इसके साथ ही आखिरी में प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि रियासी जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर कायराना आतंकी हमला अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ हिंसक कार्रवाई है जिसके खिलाफ पूरा देश एकजुटता से खड़ा है। सभी दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने क्या बताया ये भी सुनिए। ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरिया जितने भी एडजॉइनिंग है अरनाथ से लेके यहाँ तक हम सारा वो हमारी टीम्स जो है SOG कंपोनेंट हमारा हमारी J&K पुलिस जी। तो मैम कल क्या अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहां से फरार हो गए और J&K पुलिस साथ में सिविल्स लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये, और वहां पे भी हमारी SOG की टीम साथ में CAPF और हमारी J&K पुलिस हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है।